नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु पर। अब तक हमने विवाह करवाना सीखने के क्रम में वर तथा कन्या पक्षीय गोत्रोच्चार शाखोच्चार की विधि तक जाना है। आज इस वीडियो में हम कन्यादान की विधि तथा कन्यादान के पश्चात जो अग्नि की तीन परिक्रमाएं होती हैं वह विधि तक जानेंगे। अग्नि की तीन परिक्रमाएं हो जाने के बाद में किसी भी मंत्र के द्वारा नहीं होती, केवल अग्नि की यह तीन परिक्रमाएं होती हैं। शेष चार परिक्रमाएं लाजा होम के समय कराई जाती हैं, जो हम आगे विधि में जानेंगे। इस प्रकार से सात परिक्रमाएं होती हैं, जिनको फेरे भी कहते हैं लोग प्रचलित भाषा में। तो आज इस वीडियो में सर्वप्रथम कन्यादान विधि जानेंगे। विवाह में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो मुख्यतः बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो चलिए आरंभ करते हैं आज का विषय। कन्यादान में सबसे मुख्य होता है कन्यादान का संकल्प। विशेषतः हमको कन्यादान का संकल्प अच्छी प्रकार से आना चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं आज की विधि। जिस भी व्यक्ति को कन्यादान करना हो, वह व्यक्ति अपनी पत्नी सहित अपनी पत्नी को दक्षिण भाग में बिठा करके अपने ग्रंथिबंधन करे तथा आचार्य जी उनको आचमन, पवित्रीकरण, तिलक, शिखा ग्रंथिबंधन आदि करवावें और तत्पश्चात उनके हाथ में अक्षत तथा पुष्प दे करके इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करवावें और यह मंत्र बोलें। दाता हम वरुणो राजा द्रव्यमादित्य दैवतम वरोऽसौ विष्णुरूपेण प्रतिग्रहणात्वयं विधिः। इस प्रकार से यह प्रार्थना कर लेने के पश्चात उनके हाथ में द्रव्य, अक्षत, कुश, जल आदि दे दें और वह पति पत्नी सहित जिनको कन्यादान करना है वह इस प्रकार से संकल्प करें और संकल्प आचार्य जी बोलें। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोद्दीय परार्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैकदेशे भारतदेशे अमुक प्रांते अपना प्रांत का नाम बोलें, अमुक जनपदे अपना जनपद का नाम बोलें, अमुक नगरे अमुक ग्रामे जो नगर हो जो ग्राम हो वह बोलें, वर्तमान संवत्सरे वर्तमान में जो संवत्सर हो वह बोलें, अमुक अयने वर्तमान में जो अयन चल रहा हो दक्षिणायन उत्तरायण जो चल रहा हो वह बोलें, अमुक ऋतु जो ऋतु हो वर्तमान में वह बोलें, अमुक मासे जो महीना चल रहा हो वह बोलें, अमुक पक्षे जो पक्ष हो वह बोलें, अमुक तिथौ जो तिथि हो वह बोलें, अमुक वासरे जो दिन हो वह बोलें, अमुक नक्षत्र नक्षत्र बोलें। यथा यथा राशि स्थान स्थिते सुग्रहे सुसत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ गोत्रः। जो कन्यादान कर रहे हैं वह अपना गोत्र बोलें, नाम्नः अपना नाम बोल करके नाम्नः इस प्रकार से बोलें। सपत्नीकोऽहम् मम समस्त पितॄणां निरतिशयनानन्द ब्रह्म लोकाप्त्यादि कन्यादान कल्पोक्त फल प्राप्तये अनेन वरेण अस्यां कन्यायां उत्पादयिष्यमाण संतत्या दश पूर्वान् दशापरान् पुरुषानात्मानं च पवित्रीकर्तुं श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीतये ब्राह्म विवाह विधिना कन्यादानं करिष्ये। इस प्रकार से यह संकल्प करके अपने हाथ का जल अपने सम्मुख छोड़ दें। इसके बाद कन्यादाता कन्या का स्पर्श करते हुए इस प्रकार से कहें या इस मंत्र को आचार्य जी बोलें। कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोक जिगीषया विश्वंभरः सर्वभूताः साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि पितॄणां तारणाय च। इस प्रकार से यह
मंत्र यह श्लोक जब आचार्य जी बोल दें तत्पश्चात अब कन्यादान का प्रधान संकल्प होगा, कन्यादान का संकल्प होगा। यह बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान दीजिए, वर के दाहिने हाथ पर कन्या का दाहिना हाथ रहकर कन्यादाता जो कन्यादान कर रहे हैं वह सपत्नी अपनी पत्नी के साथ एक संख में जल, दूर्वा, अक्षत, उगी फल, पुष्प, चंदन, तुलसी और स्वर्ण लेकर के कन्या के दाहिने अंगूठे के पास अपना हाथ ले जाएं और कन्या का भाई जलपात्र, कहीं कहीं जलपात्र को गिड़ुआ भी कहते हैं, जलपात्र से जल की धारा वर के दाहिने हाथ पर जल की धारा छोड़ता रहे। उस समय कन्यादाता दान का निम्न संकल्प इस प्रकार से करें या आचार्य जी संकल्प को बोलें। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमनवन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशे भारतदेशे अमुक प्रांते अपना प्रांत अमुक जनपदे अमुक नगरे अमुक ग्रामे वर्तमान संवत्सरे, वर्तमान में जो संवत्सर चल रहा हो, अमुक अजने अमुक ऋतौ अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे, जहां पर मैं अमुक बोल रहा हूँ वहां पर वह दिन वह महीना वह नक्षत्र बोले। अमुक राशि स्थिते सूर्य यथा यथा राशि स्थान स्थिते सुग्रहेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ। गोत्र जो कन्यादान कर रहे हैं वह अपना गोत्र बोले। गोत्र नाम नहा अपना नाम बोले। सपत्नी को हम मम समस्त पितृणाम निरति सयसानंद ब्रह्मलोका वाप्त्यादि कन्यादान कल्पोक्त फलावाप्तये अनेन वरेण अस्याम कन्याया मुत्पादयिष्य मानसंतत्या दशपूर्वान् दशापरान् पुरुषानात्मानं च पवित्रीकर्तुं श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीतये गोत्रस्य। अब यहाँ पर गोत्र में जो वर है उसके पर बाबा जी का गोत्र बोलें। जो वर का गोत्र होगा वही वर के पर बाबा जी का भी गोत्र होगा। गोत्रस्य प्रवरस्य वर के पर बाबा जी का प्रवर बोलें। वर के पर बाबा जी का प्रवर बोल देने के पश्चात इस प्रकार से बोलें। शुक्ल यजुर्वेदांतर्गत वाज सने माध्यन्दिनी शाखाध्यायिनः शर्मणः वर्मणः गुप्तस्य, जो भी हो नाम लेकर के उनका, ब्राह्मण है तो शर्मणः नाम लेकर के शर्मणः, अगर क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं तो वर्मणः बोलें, और तत्पश्चात आगे नाम लेकर के शर्मणः बोल करके प्रपौत्राय इस प्रकार से बोलें। इससे आगे पुनः अब वर के बाबा जी का नाम बोलें जो भी उनका नाम हो, और फिर आगे शर्मणः वर्मणः गुप्तस्य लगाएं जो भी हो, शर्मा वर्मा गुप्ता जो भी हो इस प्रकार से लगा दें। पौत्राय तत्पश्चात इससे आगे वर के पिताजी का नाम बोलें और उनके नाम के भी आगे जो भी हो शर्मा वर्मा गुप्ता वह लगाएं, और फिर आगे बोलें पुत्राय इस प्रकार से बोल दें। आयुष्मते कन्यार्थिने गोत्राय अब यहाँ पर वर का गोत्र बोलें। प्रवराय वर का प्रवर बोलें। शर्मणे जो भी वर का नाम हो वह नाम लेकर के शर्मणे वर्मणे गुप्ताय इस प्रकार से बोलें। ब्राह्मण है तो शर्मा शर्मणे बोलें, क्षत्रिय वैश्य हैं तो वर्मणे बोलें। तत्पश्चात आगे बोलें वराय। अब कन्या पक्ष का उच्चारण करना है गोत्रोच्चारण। कन्या पक्षे तु गोत्रस्य, कन्या पक्ष में यहाँ पर गोत्रस्य की जगह में सर्वप्रथम कन्या के परबाबा जी का गोत्र बोलें। गोत्रस्य
शर्मण वर्मण गुप्तस्य, कन्या के पर बाबा जी का नाम बोलें, प्रपौत्रीम इस प्रकार से बोल दें। तत्पश्चात अब कन्या के बाबा जी का नाम बोल गोत्र बोलें, गोत्रस्य जो भी उनका गोत्र हो वह गोत्र उच्चारित करके आगे गोत्रस्य इस प्रकार से बोल दें। इससे आगे शर्मण वर्मण जो भी उनका नाम हो वह नाम लेकर के शर्मण वर्मण गुप्तस्य जो भी वह हो उस प्रकार से बोल दें। पौत्रीम क्योंकि जो कन्या है वह उनकी पौत्री है बाबा की, इसलिए आगे इस प्रकार से बोल दें शर्मण वर्मण नाम लेकर के पौत्रीम। तत्पश्चात अब कन्या के पिताजी का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है सर्वप्रथम, गोत्रस्य जो भी गोत्र हो कन्या के पिताजी का वह बोलें और गोत्रस्य इस प्रकार से बोल दें। आगे जो भी नाम हो उनका कन्या के पिताजी का वह नाम बोल करके शर्मण वर्मण गुप्तस्य इस प्रकार से बोल दें। पुत्रीम यह बोल दें। यहाँ तक इस प्रकार से बोल देने के पश्चात अब बोलना है कन्या का गोत्र, जो भी कन्या का गोत्र हो गोत्रोत्पन्नाम, जैसे मान लिया कन्या कश्यप गोत्र पर है, कश्यप गोत्रोत्पन्नाम जो भी गोत्र हो, मैंने कश्यप आपको उदाहरण के लिए समझा दिया, गोत्रोत्पन्नाम अब कन्या का नाम बोले, जो भी कन्या का नाम हो नाम बोल करके इस प्रकार से बोले, नामनी मीमाम कन्याम श्री रूपिणीम वरार्थिनीम यथाशक्त्य लंकृताम गंधाद्यार्चिताम वस्त्र युगच्छन्नाम सोपस्कराम प्रजापति दैवता सतगुणी कृत ज्योतिष्टो मातिरात्र समफल प्राप्ति कामः प्रजोत्पादनार्थम सहधर्माचरणाय। अब यहाँ पर वर का गोत्र बोले पुनः, गोत्राय नाम्नः वर का नाम बोल करके नाम्नः बोले, विष्णु रूपिणे वराय पत्नी त्वेन तुभ्यमहं संप्रददे। इस प्रकार से यह कन्यादान का संकल्प रहा। यह कहते हुए वर को कन्या समर्पित करे कन्यादाता, संकल्प करते हुए और उसे ग्रहण करते हुए वर इस प्रकार से बोले, ओम स्वस्ति ओम देवस्त्वाम ददातु पृथ्वी त्वा प्रतिग्रहणातु। अगर इतना यह वर ना बोल पाए तो केवल वर से स्वस्ति बुलवा दें और आगे का यह ओम देवस्त्वाम ददातु पृथ्वी त्वा प्रतिग्रहणातु यह आचार्य जी बोल दें। जब तक यह कन्यादान का संकल्प हो तब तक जल की धारा चलती रहनी चाहिए, यह विशेष रूप से ध्यान दें। अब पुनः कन्यादाता वर से इस प्रकार से कहे या आचार्य जी श्लोक को बोलें, ओम यस्त्वया धर्मश्चरितव्यः सोनया सह धर्मे चार्थे च कामे च त्वयेयं नातिचरितव्या। वर कहे नातिचरामि इस प्रकार से वर बोले और पुनः आचार्य जी श्लोक को बोलें, कोदात कस्मा अदात कामोदात कामयादात कामोदाता कामः प्रतिग्रहीता कामयि तत्ते। इस क्रम को क्रमशः तीन बार बोलना है, एक बार कन्यादाता बोले फिर वर बोले पुनः फिर कन्यादाता बोले फिर पुनः वर बोले, इस प्रकार से इस क्रम को तीन बार करना है। तत्पश्चात हाथ में कन्यादाता अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के इस प्रकार से वर से प्रार्थना करे, गौरीम कन्यामिमां विप्र यथाशक्ति विभूषिताम गोत्राय शरमणे तुभ्यं दत्ता विप्रसमाश्रये कन्ये ममाग्रतो भूयाः कन्ये मे देवी पार्षयोः कन्ये मे पृष्ठतो भूयाः त्वद्दानान् मोक्षमाप्नुयाम मम वंशकुले जाता यावाद्वर्षाणि पालिता तुभ्यं वर मया दत्ता पुत्र पौत्र विवर्धिनी। कार से जब कन्यादाता वर से प्रार्थना कर ले तत्पश्चात अब कन्यादान के लिए सांगता करे। कन्यादान संकल्प हो जाने के पश्चात संकल्प पूर्वक जैसे संकल्प होता है उसी प्रकार से कन्यादान की सांगता भी होती है। अपने हाथ में कन्यादाता सुवर्ण दक्षिणा मिथुन तथा अन्य निष्क्रय द्रव्य जो बेचे ना जा सकें ऐसे द्रव्यों को लेकर के संकल्प करे और इस प्रकार से आचार्य जी बोलें, ओम अद्य कृतैत कन्यादान कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थम इदम सुवर्ण दक्षिणा द्रव्यम
गोमिथुनम च गोत्राय, अपना कन्यादाता अपना गोत्र बोले, गोत्राय नामनः अपना नाम बोले, वराय तुभ्यमहम संप्रददे इस प्रकार से बोले, और वर उनको ग्रहण करते हुए उन निष्क्रय द्रव्यादि को ग्रहण करते हुए स्वस्ति कहे। तत्पश्चात हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के इस प्रकार से गौ माता की प्रार्थना करें। यज्ञ साधन भूताय तस्या घौघनासिनी विश्वरूप धरो देवा प्रियता मनया गवा। इस प्रकार से गौ माता की प्रार्थना कर लेने के पश्चात तत्पश्चात अब भूयसी भूदान दक्षिणा का संकल्प करें। और इस प्रकार से आचार्य जी बोले, भूयसी दक्षिणा में थोड़ा सा यह भूदान होता है, पृथ्वी का दान होता है, अगर पृथ्वी का दान करने में कोई सक्षम नहीं है तो यहाँ पर हाथ में कुछ रुपए रख करके यह संकल्प कर लेना चाहिए। और आचार्य जी इस प्रकार से संकल्प बोले, यह ओम अद्य कृतस्य कन्यादान कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थम तन मध्ये न्यूनातिरिक्त दोष परिहारार्थम यथोत्साहां भूयसी दक्षिणां विभज्य नानानां गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दातुमुत्सृज्य। इस प्रकार से यह विधि हो जाने के पश्चात कन्या के पिता द्वारा प्रदान की हुई कन्या को वर ग्रहण करे तथा यह मंत्र पढ़ता हुआ या आचार्य जी इन मंत्रों को पढ़ते हुए कन्या का नाम उच्चारण करें तथा कन्या और वर दोनों वेदी के समीप बैठें। यदि मनसा दूरम दिशोनुपव पवमानो वा हिरण्यपर्णो वै कर्णः सत्वा मन मनसाम करोतु श्री अमुकी देवीति। श्री से आगे अमुकी से पहले कन्या का नाम उच्चारण करके बोल दें पूरा, यह श्री अमुकी देवीति यह पूरा बोल दें। तत्पश्चात इसके बाद कन्या था वर एक दूसरे को देखें, परस्परम समीक्षे थाम, वर तथा कन्या परस्पर एक दूसरे को देखें और आचार्य जी इन मंत्रों को पढ़ें। ओम बाघोर चक्षुर्नोधि शिवा पाशुभिजः सुमनाः सुवर्चाः वीरसुर्देवकामास्योनासन्नो भवद्युपदे संचतुःपदे सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः तृतीयोऽग्निष्टे परिपतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः सोमो ददद गन्धर्वाय गन्धर्वो ददग्नये रयिं च पुतरांश्चादग्निर्मह्यमथो इमां सानः पूखा शिवतमा मैरय सान ऊरु उसति विहर यस्यामुसन्तः प्रहरामस्येपं यस्यामुकामा बहवो निविष्ट्यै। इस प्रकार से इन मंत्रों को आचार्य जी बोल दें और कन्या तथा वर परस्पर एक दूसरे को देखते रहें। जब कन्या तथा वर परस्पर एक दूसरे का निरीक्षण कर लें, एक दूसरे को देख लें, तत्पश्चात यहाँ पर तीन परिक्रमाएं होती हैं अग्नि की। अग्नि पहले लाई जा चुकी थी, अगर आपने पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक सुवासिनी सुहागिन स्त्री द्वारा अग्नि लाई जाती है किसी कांसे के पात्र में और तत्पश्चात उसको वेदी पर स्थापित किया जाता है। यह विधि हम पहले बता चुके हैं। उसी अग्नि से पुनः अग्नि में समिधा इत्यादि रख करके अग्नि को प्रज्वलित करके अग्नि की तीन परिक्रमाएं होती हैं बिना किसी मंत्र के साथ। शेष चार परिक्रमाएं अग्नि की लाजा होम के समय होती हैं, यही सात फेरे होते हैं, इन्हीं को सात परिक्रमाएं कहा जाता है। यह विधि हो जाने के पश्चात, अग्नि की तीन परिक्रमाएं हो जाने के पश्चात, वर तथा कन्या कुसा के आसन पर या एक पाटा होता है, पीढ़ा होता है विवाह में, उस पर विराजें। और तत्पश्चात दोष निवृत्ति का, कन्या ग्रहण दोष निवृत्ति का, वर को दोष ना लगे और यह संकल्प करें। ओम अद्य गोत्रः, वर अपना गोत्र बोले, नाम्नः ना नाम बोले, कन्या ग्रहण दोष निवृत्त्यर्थम शुभ फल प्राप्त्यर्थम च इदं गो निष्क्रयी
भूतम द्रव्यम रजतम चंद्रदैवतम यथा नाम गोत्राय। यहाँ पर यथा नाम गोत्राय, यहाँ पर यथा नाम की जगह ब्राह्मण, जो ब्राह्मण इस संकल्प के द्रव्य आदि को ग्रहण करेंगे लेंगे वह अपना नाम बोलें। यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय दातुमुत्सृज्य। इस प्रकार से वर जो अपने हाथ में द्रव्य इत्यादि दक्षिणा आदि लेकर के संकल्प करेगा वह अपने ब्राह्मण को दे दे जिनका नाम लेकर के संकल्प करेगा, और ब्राह्मण बोल दे स्वस्ति। इस प्रकार से यह आज का विवाह का विषय रहा। इसमें हमने कन्यादान की विधि जानी, तीन परिक्रमाएं जानी, साथ ही कन्यादान का इम्पॉर्टेंट संकल्प जाना। अगले वीडियो पर हम पुनः अगले विषय पर बात करेंगे विवाह के। तब तक के लिए नमस्कार, पुनः मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।